माने गीतकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व मंत्री विट्ठल भाई पटेल की याद में विगत दिवस इंदौर में भव्य संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नाम था भुलाए नहीं भूलती भैया की याद। विट्ठल भाई पटेल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के बैनर तले हुए इस आयोजन में शहर तथा आसपास के जिलों से आए कलाकारों ने अपने सुरीले गीतों की प्रस्तुति दी। विट्ठल भाई की याद में यहाँ सालाना समारोह होता है, जिसमें सदाबहार गीतों की प्रस्तुतियाँ दी जाती है। विशेषकर उन गीतों को यहाँ पेश किया जाता है जो स्वयं विट्ठल भाई पटेल ने अपनी कलम से लिखे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला शामिल हुए थे। पेश किए हुए सदाबहार गीतों में झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार सहित कई गीतों की सुमधुर प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार ललित अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2013 से इस तरह का आयोजन हर साल विट्ठल भाई पटेल की याद में करते हैं। हमारे विट्ठल भाई पटेल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान द्वारा हर वर्ष विट्ठल भाई पटेल की याद में एक सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है। इस वर्ष या आज के दिन हो रहा है इंदौर के रवीन्द्र नाट्यगृह। ये विट्ठल भाई 2013 में जब इस दुनिया में नहीं रहे तो हम उनकी याद को सजोने के लिए इस वर्ष या हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजन कर रहे हैं। और विट्ठल भाई की यादें पूरे देश, समाज और विट्ठल भाई क्या थे, विट्ठल भाई का गाना क्या थे, जो आज की पीढ़ी भूल चुकी है वो सब याद करवाने के लिए, या कहें उनको वापस याद दिलाने के लिए, झूठ बोले कौवा काटे, ना मांगू सोना चांदी, वो कहते हैं अभी प्यार, अभी उम्र नहीं है प्यार गई, ये सब गाने सुपरहिट सॉन्ग्स जैसे राज कपूर, मनोज कुमार जैसी हस्तियों के साथ जिन लोग जिन्होंने काम किया, हम उनको वापस इस नई पीढ़ी को जगाने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में गायक आकांक्षा जाचक, सोनल दत्ता सहित अन्य कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम में कई साहित्यकार, गीतकार और कलाकारों का सम्मान किया गया।